हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज बंसल, वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे गोवा के सबसे ज्यादा हैपनिंग प्लेस जो मानी जाती है पंजिम में, गोवा के कैसीनोज। हम जाने वाले हैं डेल्टिन कैसीनोज और डेल्टिन जैक स्पेशली हमने बुक किया है, तो हम आपको उस जगह पे लेके चलेंगे। देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ की एंटरटेनमेंट कैसी है, फ्री ड्रिंक्स, फ्री फूड और उसके बाद वहाँ पे कैसीनोज भी है। तो देखते हैं भैया क्या फन होता है, कैसा मजा आता है। आज है 25th की नाइट, यानी कि आज क्रिसमस नाइट है। यदि आप नहीं है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे दिस रेड बटन एंड दी बेल साइन। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. भाई सिर्फ डेल्टिन कैसीनो जी नहीं, मेरे पीछे कैसीनो प्राइड भी है। यहाँ पे जो हम पहले पिछली बार जब आए थे तो कोई इतना ज्यादा हैपनिंग सा नहीं था। फॉर श्योर अभी क्रिसमस है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही लाइटनिंग और हैपनिंग सा हो रखा है। कैसीनो प्राइड की एंट्री बहुत जबरदस्त है। हम जा रहे हैं अभी डेल्टिन जैक की तरफ। पीछे था कैसीनो रॉयल, उसमें हमने नहीं लिया, हमने जैक में लिया। जैक आगे देखते भैया कैसा सजा हुआ है, क्योंकि एंट्री कैसी है और ये सब कैसा, यही तो देखने में मजा आएगा। नहीं नहीं, मैंने ले लिया भैया, नहीं नहीं हमने ऑलरेडी बुक कर लिया भैया। भाई लाइफ में 4-5 बार गोवा आ चुका हूँ और 2-3 बार हम हमेशा डेल्टिन जैक में चले ही जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि यहाँ पर इतने एजेंट्स हैं और सेल्स फोर्स इतनी सारी है, जो हर कैसीनो ने अपनी सेल्स फोर्स बिछा रखी है। सब पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, कैसीनो जाना है, डिनर पे जाना है, क्रूज पे जाना है, पता नहीं कहाँ का, तो सब अपनी टिकट सेल करने के चक्कर में। मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको ऑनलाइन लगता है ज्यादा पैसे लग रहे हैं कुछ, तो यहाँ पर आकर भी आपको बहुत ऑफर्स मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जितना एडवांस में बुक करोगे उतना बेटर है। एडवांस में बुक करोगे तो सस्ता पड़ सकता है आपको। एक और कैसीनो आया, ये क्या है? ये भाई बिग डैडी कैसीनो। ओ, यहाँ बादशाह रखा है, इंटरनेशनल पोल डांस। देख भाई, इसे बोलते रोलेक्स, वो घुमाते उसमें बॉल आती है, तो जिस भी उसमें बॉल आ जाएगी वो जीत जाएगा। और रेड में मिलेगा डबल, ब्लैक में मिलेगा डबल, इवन और ऑरेंज में मिलेगा डबल डबल। बिग डैडी कैसीनो की एंट्री है ये। यहाँ से जाते हैं, पूरा पोर्ट बना रखा है, पुल पार करते हैं ये वाला, और उसके बाद वो छोटे से क्रूज में जाते हैं, उसी में कैसीनो सब कुछ है। एक्चुअली क्रूज में मेरे हिसाब से सिर्फ कैसीनो ही है, डिनर विनर नहीं है। वो ब्रिज भी कितना अच्छा सुंदर सजा रखा है। मारुषि क्रूज ने ऐसे शायद कैसीनो नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ हुआ, खाना पीना पार्टी है ना। हाँ, क्रिसमस ईव की वजह से बहुत हैपनिंग सा हो रखा है, वरना इतने से लोग नहीं दिखते। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब नहीं थे। अगर आज भी नहीं दिखेंगे लोग तो फिर तो समझ लो जैसे एवेंजर्स एंड गेम में आधी दुनिया डिसअपीयर हो गई थी। एंड गेम में नहीं, और सॉरी इन्फिनिटी वॉर में। Said I might be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's. मैं आप दोनों के साथ हूँ या नहीं हूँ? Hello. Oh hello. मैं आप दोनों के साथ हूँ या नहीं हूँ? मुझे छोड़ के अपनी दोनों की जुगलबंदी चलती रहती है। भाई हमने जो पहले प्लान किया था वो प्लान ये किया था कि हम डेल्टिन जैक नहीं जाएंगे, डेल्टिन रॉयल जाएंगे। रॉयल सबसे एक्सपेंसिव है डेल्टिन सीरीज का। डेल्टिन में आते हैं 3 शिप, डेल्टिन कार्निवल सबसे सस्ता, उससे महंगा डेल्टिन जैक और सबसे महंगा डेल्टिन रॉयल। डेल्टिन कार्निवल तो बंद है अभी, क्योंकि कोविड के चक्कर में वो एक शिप बंद कर रखा है, तो डेल्टिन जैक और डेल्टिन रॉयल ही बचे थे। तो रॉयल की हमें पता चला कि टिकट थी 3,000 रुपए की और डेल्टिन जैक की थी 2,000 रुपए की, लेकिन अल्टीमेटली जब हमने सोचा बुक नहीं कराई हमने ऑनलाइन, तो सारी टिकट भर चुकी थी रॉयल की। मेरा सजेशन रहेगा जितनी जल्दी बुक करोगे, अगर आप 25th December या फिर आप आ रहे हो 31st January में, तो जितनी जल्दी बुक करोगे उतना अच्छा रहेगा, वरना टिकट भर जाए तो महंगा हो जाएगा। रॉयल की टिकट जो 3,000 रुपए की ऑनलाइन मिल रही थी, अब ऑन द स्पॉट मैंने पूछा तो 5,000 रुपए की, तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए हम डेल्टिन जैक में ही आ गए, क्योंकि इसमें सिर्फ 2,000 से 2,500 हुआ था, ज्यादा फर्क नहीं था, तो वी डिसाइडेड कि हम यहीं आना चाहिए। अब पहुंच गए डेल्टिन जैक, एंट्री करते हैं। आगे हम 500 रुपए देंगे तो हमें 1500 की चिप्स मिलेंगी। 500 रुपए देके? अच्छा, 500-1500 रुपए देंगे तो हमें मिलेगा 4,500 रुपए की चिप्स। अनु देखो आपका भाई खड़ा है आपके साथ। या शूट
भाई वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड द चेक इन प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टन जैक का हमने चेक इन किया, ऑनलाइन हमने सारी पेमेंट कर दी थी ऑलरेडी, तो हमें बस वहाँ पे जाना पड़ा और हमें ये ग्रीन कलर का बैंड मिला है। दिस इज आई थिंक फॉर प्रीमियम टिकट, वीआईपी टिकट का कुछ और अलग कलर का ब्रांड होता होगा। प्रीमियम और वीआईपी में सिर्फ एक ही फर्क है कि वीआईपी में आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स की अल्कोहल भी मिल जाती है, तो अगर आप अल्कोहल ड्रिंकर हैं तो आपको वीआईपी ब्रांड का फायदा है, अदरवाइज प्रीमियर ही बहुत बढ़िया है। किसी भी शिप में जाएं आप, चाहे रॉयल में जाएं, चाहे जैक में जाएं, चाहे कार्निवल में जाएं, इफ यू आर नॉट एन अल्कोहलिक और इफ यू डोंट कंज्यूम अल्कोहल तो आपको वीआईपी वाले का कोई फायदा ही नहीं है, मत करो, वीआईपी लेना ही मत। और एक बात और, रॉयल में हो चाहे जैक में चाहे कार्निवल में, फूड आइटम्स जितने भी हैं उसमें सब सेम ही रहते हैं और लिकर आइटम्स जितने भी सब सेम ही रहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि कार्निवल थोड़ा छोटा शिप है, जैक मीडियम शिप है और रॉयल बड़ा शिप है, तो बस व्यूइंग एक्सपीरियंस जो वहाँ पे आने का फील है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो इसी के पैसे वो ज्यादा लेते हैं। अदरवाइज वहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेज या फिर खाना या फिर पीना सब कुछ सेम है, कुछ बदलाव नहीं है किसी भी क्रूज में। अब यहाँ पे हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं और यहाँ से हमें जो इनकी स्पीड बोट है या इनकी जो फेरी है वो लेके जाएगी कैसीनो के क्रूज तक, उसी का वेट कर रहे हैं। जो हमारे पास ये पीछे यहाँ पर जो खड़ी है ये वाली फेरी, ये भर चुकी है, तो ये वाला जो गेट है ये बंद हो चुका है। एंड नाउ वी आर वेटिंग कि नेक्स्ट शिप कब आएगी और हम कब जाएंगे। ये वाला ना, अभी ये जो मैं लेके जा रहा है क्रूज तक, ये वाली शिप जो बोट है ये ऊपर से बंद हो गई है। अच्छा। पहले ये ओपन मोटर बोट में लेके जा रहे थे, वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। ये देखो क्या हुआ, मैंने ना ऐसे, मैंने कहा चलो बाहर का व्यू दिखाती हूँ, ऐसे किया, व्यू तो कुछ नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन पड़ रही है, फोकटा हो गया। डेल्टन जैक एक बहुत ही बड़ा शिप है जिसमें चार फ्लोर्स हैं। इसका जो बेस फ्लोर है वहां से होती है सारे गेस्ट की एंट्रीज। उसके फर्स्ट डेक में है कैसीनोज, जहां पे दुनिया भर के कैसीनो गेम्स आपको खेलने को मिल जाएंगे। उसका सेकंड डेक है डिनर बुफे और लाइव एंटरटेनमेंट के लिए, और चौथा फ्लोर है सन डेक जो कि ओपन एयर डेक है। हमें कैसीनो वाले फ्लोर में ज्यादा काम नहीं था तो इसलिए हम सबसे पहले चले गए डेक टू में, जो कि था डिनर बुफे और लाइव एंटरटेनमेंट के लिए। क्या ऑर्डर किया आपने? हमने छोले पाव ऑर्डर किया था और मिनी समोसा, पहले हम स्नैक्स ले रहे हैं फिर हम मेन कोर्स में जाएंगे। ठीक, अभी स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये क्या लाए हो जो? रस्सी कबाब। अच्छा, चिली मशरूम। कौन से वाले चिली मशरूम है? ये चिली मशरूम है, रस्सी कबाब, और ये जो है ये छोले पाव है। हाँ। और ये समोसे छोले हैं। ये भी वही है, और ये भेलपुरी है और ये पापड़ी है। अब क्या लेने जा रहे हो? ड्रिंक्स देख रहा हूँ, कोको कोला। कितनी मेहनत कर रहे हो आप, थैंक यू सो मच। बैठो, स्माइल देखो नकुल के चेहरे पे, क्या आइए खाना देख के। मशरूम टिक्का, ये समोसे छोले, छोले। अनुज कैसा टेस्ट है? खुशी देखो अनुज की खाना देख के। ये अनुज का एक डिश, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पूरी शाही थाली लगा रखी है। है भाई, खाना खाओ तो ढंग से खाओ, और मन में ना बस एट द एंड जी जाता मेरे हैं ना शूट में। हां हां, अनुज टेस्ट कैसा लग रहा है वैसे आपको खाने का? बहुत बढ़िया, गर्मा गर्म है। खाने पीने के बाद हम पहुंच गए डेल्टन जैक के टॉप फ्लोर पे, यानी कि सन डेक पे। सन डेक पे भी आपको ड्रिंक्स और स्नैक्स मिल जाएंगे, बट ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो हार्ड ड्रिंक्स लेना पसंद करते हैं। भाई ये है डेल्टन जैक का एकदम टॉप डेक है, ये सन डेक बोलते हैं इसको। वैसे तो यहाँ पर भी ड्रिंक्स और स्नैक्स अवेलेबल है, लेकिन हम ऑलरेडी खाना खा चुके हैं। बस नकुल बहुत एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। मतलब एज यू नो इन इंडिया ब्राउन बॉयज ऑलवेज हैविंग अ ड्रीम कि यार एक बार गोवा चलना है, तो इट्स लाइक माय जीजू इज समथिंग हु विल फुलफिल माय ड्रीम। और मेरा डे वन से यही रहता था कि जीजू इंटरनेशनल में जाऊं तो बैंकॉक जाऊं। अब
आपने वो फुलफिल करा दिया। और इन इंडिया में हमेशा ये कहता था यार, एक बार अगर गोवा नहीं गए तो इंसान क्या गया। नाउ यू आर अगेन द स्टार ऑफ माय लाइफ, मेरा फुलफिल ड्रीम। थैंक यू भाई, थैंक यू। चीयर्स टू यू ब्रो, चीयर्स टू यू। थैंक यू। स्वाति तुझे कैसे लग रहा है डेल्टिन जैक? डेल्टिन जैक सिंपल सी जगह है, आप तीन चार दिन के लिए आओ। और लाइफ पार्टनर अगर अनुज जैसा है तो आप अपने आप को भूल जाओ। बड़प्पन है भाई इन लोगों का जो इतनी तारीफें कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये है कि हाँ, डेल्टिन जैक अच्छी जगह है, आ सकते हो। अब खाना खा लिया है, अपर डेक देख लिया है, अब कसिनो वाला फ्लोर देखेंगे, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ना ही फोटोग्राफी अलाउड है, तो हम कुछ भी नहीं दिखा सकते उसमें से आपको। वो सिर्फ हम अकेले एंजॉय करने वाले, बस रिव्यू देंगे अपना जरूर कि कैसा रहा। अपनी पूरी गैस तीनों की जेब में कैश गिरी है, गिरी। अनुज भाई नकुल, क्या स्पॉट करा है बता। स्पॉट करा है तो आप ये देखो, बाइक खड़ी है R15, हाँ, 1.25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, हाँ। और ये देखो 1.5 हजार रुपए की दारू पी के बंदा बंद है भाई, कसम से बंडे तो फुटपाथ पे हैं, जूते वूते पहन रखे लेकिन भंड है। और R15 खड़ी है। तो भाई आ गए हैं डेल्टिन जैक से बाहर, और कसीनो वाले फ्लोर में आपको लेके नहीं जा पाए फॉर श्योर। हमने वहाँ पे जो हमें जो फ्री के चिप्स मिले थे उसे यूज करके थोड़ा बहुत कसीनो खेला, और जब तो खत्म नहीं हो गए, हमने सारे वहीं पे उड़ा दिए। फ्री के नहीं मिले, हाँ पैसे दिए, पैसे दिए, पैसे दिए भाई, 500 रुपए दिए थे, उसमें 1500 के मिले थे। तो भाई हम पहले सोच के गए थे कि हमारा इतना खर्चा एक्सपेंस है, हमारा कोई ऐसा मोटिव तो होता नहीं है, बस जस्ट फॉर फन हमने ट्राई कर लिया। तो बहुत मजा आया, देखा कि अब काफी लेट हो गई, लेट नाइट हो चुकी है, हम अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं, और हमने देखा कि हाँ यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि क्रिसमस की 25th की नाइट है इस वजह से। तो हम भी अपने होटल वापस जा रहे हैं। तो आई होप भाई आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाओ, और हमारा अगली पूरी सीरीज की जितनी वीडियोस है वो जरूर देखना। एंड अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे दिस रेड बटन एंड दी बेल साइन। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि हमें जो डेल्टिन के चिप्स मिले थे वो कितने रुपए देके कितने चिप्स मिले थे, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। और आपको पता ही, जो एक महीने में सबसे ज्यादा कमेंट करता है अनुज बकेट पे, उसको मिलते हैं कपल मूवी टिकट्स या इक्विवेलेंट पेटीएम कैश एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आप गोवा ऐसे ही घूमना चाहते हैं जैसे कि हम घूमे हैं, तो गोवा ट्रिप की स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल गाइड आपको हमारे लिंक में मिल जाएगी। लिंक का नाम है हाउ टू बुक योरसेल्फ गोवा, जिसको देख के आप गोवा की कंप्लीट बुकिंग करा सकते हैं, चाहे वो फ्लाइट्स हो, होटल्स हो, यहाँ की टॉप प्लेसेस टू विजिट हो, स्कूटी या गाड़ी बुक करना हो, या फिर कौन से बीच जाएं, कौन सा बीच फेमस है, कहाँ पर खाना खाएं, होटल के आसपास क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। और ये सब आप बुक कर सकते हैं घर बैठे, आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी ट्रैवल एजेंसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बस ये गाइड देखो और बुक कर लो। अब चाहे आपको 3 डेज का ट्रिप बनाना हो अपने पार्टनर के साथ, या 5 डेज का ट्रिप बनाना हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, या फिर आप गोवा जाना चाहते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के टाइम पे, इस गाइड में आपको फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक को क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और वो कैसे घूमा जाए, ये सब कुछ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो, जिसका नाम है हाउ टू बुक योरसेल्फ गोवा। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते।